मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं और संजय भालकीमाचंग जा रहे हैं एक ही बाइक पे। भालकीमाचंग कोलकाता से 158 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल बाबा में। तो भालकीमाचंग एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया है कि बर्धमान में है, तो चलते हैं भालकीमाचंग। ये है हमारा प्यारा सेकंड ब्रिज जो कि ज़्यादातर ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। पहला हॉल्ट लिया, 86 किलोमीटर खाली बाकी ये दिखा रहा है। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट में आए हैं हिंदुस्तान, जो एक होटल है, ढाबा टाइप का होटल है, यहाँ पे वहाँ पे रुके हुए हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दिया है कचौड़ी और चाय। तो पहुंच गए हम लोग भालकीमाचंग। तो यही जो वॉच टावर है, इसको बंगाली में माचांग कहते हैं। तो एक्चुअली इसका जो हिस्ट्री है, पहले यहाँ पर बहुत जानवर मिलते थे, मैंने खासकर भालू, तो उसको शिकार करने के लिए यहाँ पर बैठ के उनका शिकार किया जाता था। बहुत पुराना है ये, अभी तो ये पूरा खराब वराब हो गया, कोई ऊपर ऊपर जा नहीं सकता, टूट गया है पूरा ये। तो इसी के चलते यहाँ पर काफ़ी ये फेमस है। तो यहाँ पर मैं सोचा था कि मैं अकेले आया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखा हूँ तो काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है। यहाँ पे अभी बाइकर्स लोग गए हैं, अभी गाड़ी लेके भी आए हुए हैं काफ़ी जन। तो काफ़ी अच्छा जगह है, दोनों तरफ पूरा जंगल और बीच में से ये पूरा रास्ता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो मतलब एक दिन का ट्रिप है ये, आराम से कोलकाता से आके यहाँ से घूम के जा सकते हो, मतलब जंगल का भी मज़ा ले सकते हो पूरी तरफ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और दोनों तरफ जंगल जो है, तो इतना हरियाली लग रहा है, बहुत मज़ा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसे ही मुझे जंगल बहुत पसंद है, ऐसे ही जंगल मुझे काफ़ी पसंद है। और जब भी मैं जंगल का नाम सुनता हूँ तो मैं ना नहीं कर पाता, मैं निकल पड़ता हूँ बस। तो चलते हैं, आपको कुछ देखते हैं, सिनेमैटिक शॉट अगर दिखा पाते तो दिखाते हैं आपको। फोटोग्राफी करके वीडियोग्राफी करके वहाँ पे रेस्ट लेके फिर ये पास ही में, एकदम पास ही में अपोजिट में एक गार्डन बनाया हुआ है,
वहाँ पे आया हुआ है येरा गार्डन। ये रहे इसके एंट्रेंस, काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं सोचा था काफ़ी खाली रहेगा यहाँ पे, लेकिन सभी जगह भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा जगह। और ये आप अगर यहाँ पे स्टे करना चाहते हो, ये वाला यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। ये गाड़ी का जो पीछे है वहाँ पे है, एक ही है यहाँ पे जंगल के बीच में, एक ही होटल है, तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। शायद मेरे ख्याल से, मैं जितना सुना हूँ, ये नॉन एसी शायद 900-800 ऐसा समथिंग है, एसी वाला 1200 रुपये है ऐसा समथिंग कुछ है। काफ़ी अच्छा जगह है, शांत, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं, खाली चिड़िया चहचहाट कर रही है। जैसे मैं पहले कह रहा था, इक्का दुक्का गाड़ी जाता है। ये सामने ही रोड है, गांव का ही रोड है, कनेक्ट करता है गांव को, दोनों तरफ जंगली जंगल है। बहुत मज़ा आया, एक दिन के लिए तो एकदम बढ़िया ट्रिप है। आप आ जाओ, बाइक गाड़ी कुछ भी ले कर यहाँ आ जाओ, रहो बस, मतलब दोपहर तक भी रहने से चलेगा। जैसे अभी हम लोग सोच रहे कि वापस जाते हैं, क्योंकि और कुछ करने का ज़्यादा है नहीं है। जितना जंगल था वहाँ पे घूम लिए, ये गार्डन था वो भी घूम लिए। किसी कोई कोई यहाँ पे रह रहा है, लेकिन हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग वापस जाते हैं, क्योंकि और कुछ एक्सप्लोर करने यहाँ पे मेरे ख्याल से है नहीं अभी आसपास। तो यहीं पर आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ, और जाते टाइम रास्ता क्या दिखाऊँ, क्योंकि सेम ही रास्ता है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना।